इवनिंग एवरी वन सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर फॉर द एन आई डी एंड आई आई टी यू सीड और आई आई टी सीड एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम में जो पोर्शन जी के का आता है वो लोगो कैरी करता है और जो लोगों का पोर्शन वो कैरी करता है वो कैरी करता है आपका इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम वो डायग्रामेटिक लोगो पूछता है आपसे लोगों का इमेज दे देगा और फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे वो लोगों का नेम पूछता है कि आपको उसका नेम बताना होता है कि कौन से लोगों का नेम है सो द वेरी फर्स्ट लोगो विच वी आर सींग ऑन स्क्रीन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें साइड में टू एलिफेंट्स हैं और इन प्लेस ऑफ दैट इट इज़ हैविंग द शिवलिंग इन बिटवीन द इन बिटवीन ऑफ दोज बोथ दॉल्स सो दिसो बिलोंग्स टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट नेक्स्ट लोगो विच वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन जिसमें व्हील बना हुआ है और व्हील के आउटसाइड टीथ्स दिए हुए हैं विद एवरी इंडिविजुअल गैप और दिस इज द बेसिक कलर इसका ब्लू होता है दिस लोगो बिलोंग्स टू योर सी एस आई आर नाव वॉट इज सी एस आई आर सी एस आई आर इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन दी थर्ड लोगो वी आर हैविंग टू सोट्स जो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को एंड इन मिडल वी आर हैविंग द नेशनल एम्बलम दिस इज़ द वेरी कॉमन लोगो जो हम सबको पता होगा दिस इज़ द लोगो फॉर इंडियन आर्मी नेक्स्ट टू इट वी आर हैविंग द लोगो जिसमें सर्कल बना हुआ है एंड ईगल उसके बाहर फ्लाई करता हुआ हमें दिख रहा है कि ईगल इज़ कमिंग टू वर्ड्स आउट ऑफ द सर्कल इन द फ्लाइंग इन प्लेस ऑफ दैट इट इज़ ऑल्सो हैविंग द लोगो ऑफ द नेशनल एम्बलम इट इज़ द लोगो फॉर इंडियन एयरफोर्स नेक्स्ट नेक्स्ट लोगो इज ऑफ बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसमें साइट्स uh, में ऐसे लीफ का फॉर्मेशन दिया इन द टाइप ऑफ अ सेमी सर्कल सर्कल इज़ नॉट जॉइंट एंड बीच में आपके नेशनल एम्बलम है नेक्स्ट टू दैट वी आर हैविंग द लोगो फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन इंडियन कोस्ट गार्ड द लोगो विच इट कैरीज इसमें जो एक uh, अंदर वाला सर्कल होता है उसके अंदर नेशनल एमलम बना होता है एंड आउटसाइड दी सर्कल बाउंड्रीज आर ऑफ गोल्डन कलर एंड इसमें जितनी भी लाइंस हैं उनकी बाउंड्रीज गोल्डन कलर की हैं एंड yes, उसमें जो कलर फिलिंग है वो आपकी ब्लू कलर की है सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड नाउ एज रिटर्न ऑन द लॉ इट इज़ द लोगो फॉर मेक इन इंडिया वेरी गुड नेक्स्ट टू दैट ये जो लोगो है आपका ये लोगो आपका एन आई डी टू थाउजेंड नाइनटीन बी डस के पेपर में आया था फॉर द गैट सेक्शन ये लोगो है आपका इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आई एम रिपीटिंग अगेन इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू दैट इट इट सेल्फ रिटर्न ऑन द लोगो इज़ फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उसके बीच में एक लाइटिंग लैम्प जैसा बना हुआ है बीनीथ टू डैट वी आर हैविंग लोगो ऑफ द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसमें आपका एलिफेंट है और एलिफेंट के जो साइड टीथ्स हैं उनको इलोंगेट करके स्नेक का शेप दिया हुआ है वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लाइट इन द नेक्स्ट लाइट द वेरी फर्स्ट लोगो जिसमें आपका फुटबॉल बना हुआ है दैट लोगो इज़ फॉर द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए आई डबल एफ नेक्स्ट टू इट वी आर हैविंग अ कॉक जिसका टेल के ऊपर हमारा नेशनल व्हील बना हुआ है और जो कलर्स हैं वो सेफ्टन और ग्रीन कलर है दिस इज़ द लोगो फॉर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट टू दैट हमारे पास दो लोगोज हैं जो क्रॉस बैडमिंटन के फॉर्म में हैं और दिस लोगो इज़ फॉर ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ए आई टी ए नेक्स्ट टू इट अगर हम ध्यान से देखें तो अभी इससे रिलेटेड एक अवॉर्ड भी आ, मिला है खेल रतन एवॉर्ड वो एवॉर्ड किसको मिला है आप लोग चैट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा ये आ, जो लोगो है आपका ये लोगो है आपका हॉकी इंडिया का हॉकी इंडिया से रिलेटेड अवार्ड नहीं है बट खेल रतन अवार्ड अभी किसको मिला है अभी वो आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप करना है नेक्स्ट टू दैट वी आर हैविंग दी लोगो ऑन दी नेक्स्ट पेज अगेन वी आर हैविंग द लीव इन द सर्कल जो ऊपर से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है नेशनल एम्बल का फोटो है डाउन टू दैट तराजू बना हुआ है और ओपन बुक रखी हुई है दिस लोगो इज फॉर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आई ए ए डी बिनीथ टू दैट हमारे पास एक लोगो है जो सेमी सर्कल फॉर्म किया हुआ है सबसे बॉटम का जो लाइन उन्होंने दिया है दैट इज़ फॉर द येलो कलर उसके ऊपर वी आर हैविंग साफ उसके ऊपर ऑरेंज देन वी आर हैविंग ग्रीन सो दिस लोगो इज़ फॉर एफ सी सी आई फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑफ चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब एफ सी सी आई का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन केम अप तो आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप करना है हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट फॉर एफ सी सी आई नेक्स्ट लोगो वी ऑल नो टेल में सनराइज हो रहा है रेड कलर का बेसिक कलर इज द रेड कलर और टेल में सनराइज होता हुआ दिख रहा है द लोगो इज़ फॉर एयर इंडिया नेक्स्ट लोगो दोनों साइड ए बना हुआ है डाउन साइड से एरो क्रॉस करते हुए जा रहा है दिसो इज़ फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेरी गुड ऑन द नेक्स्ट पेज वी आर हैविंग द लोगो फ्रॉम दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स द फर्स्ट लोगो जिसमें भारतीय खाद निगम लिखा हुआ है उसमें आपके थ्री uh, जैसे आपका वीट वीट पैडी होता है वैसे आपके थ्री वीट पैडीज आपके दिख रहे हैं इसमें इन थ्री डिफरेंट लाइंस, बेसिक कलर ग्रीन होता है एंड ये लोगो uh, जिसका है ये लोगो है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का दिस लोगो इज़ फॉर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डाउन साइड टू दैट जो हमारे पास ग्रीन कलर में लोगो है लीव्स के साथ साइड लीव्स हैं उनमें स्ट्रेट लाइंस आप देखोगे तो हर लीव से स्ट्रेट लाइन जा रहा है सो दिस लोगो इज़ फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेक्स्ट लोगो जिसमें आई है बी है ए है दिस लोगो इज़ फॉर इंडियन बैंक एसोसिएशन नेक्स्ट टू दैट लोगो के जस्ट नेक्स्ट में उसका नेम लिखा हुआ है बट बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं थ्री कर्वी लाइंस हैं जो टॉप कर्वी लाइन है वो लाइट ग्रीन है जो मिडिल कर्वी लाइन है वो आपकी ऑरेंजेस और येलोइश है और लास्ट कर्वी लाइन आपकी डार्क ग्रीनिश और लाइट ग्रीनिश का मिक्सचर है द लोगो इज़ फॉर द इंडियन फ्रेंचाइजी एसोसिएशन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड इन नेक्स्ट स्लाइड द वेरी फर्स्ट लोगो अगेन ये आपका व्हील का फॉर्मेशन है जो व्हील के आपके टीथ आउटसाइड्स दिए हुए हैं आउटसाइड आपके व्हील के टीथ है नाउ द लोगो इज़ फॉर इंडियन इंजीनियर्स एसोसिएशन द लोगो इज़ फॉर इंडियन इंजीनियर्स एसोसिएशन डाउन साइड टू दैट वी आर हैविंग द लोगो फॉर डेली मेट्रो नेक्स्ट टू दैट वी आर हैविंग लोगो जिसमें एक ओपन बुक है और उसके ऊपर नेशनल फील्ड बना हुआ है ये आपका यू जी सी का लोगो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डाउन साइड टू दैट यू जी सी का लोगो इस बार इंपॉर्टेंट है क्यों है वो हम नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे यू जी सी से रिलेटेड क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो हम नेक्स्ट करेंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करेंगे डाउन साइड टू दैट वी आर हैविंग दी लोगो फ्रॉम डी यू डेली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ डेली जिसमें बीच में यू शेप बना हुआ है जो कि ऊपर से क्लोज है हाफ हाफ़ uh, में उसका कर्वी लाइन है uh, second half me we are having the elephant and above we are having a book which is open we are moving towards the next slide on the 27th number the very famous hamara bhartiya dak we are having the india post logo jo ki red color ka hota hai डाउन साइड टू दैट ट्वेंटी एट अब इसका एक, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लोगो है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था वो मैं बता देती हूँ 2022 में एन के बैचलर्स की गैट के पेपर में उन्होंने आपसे पूछा था फोर ऑप्शंस दिए थे आपको लोगों वी ये वी जो व्हील बना हुआ है सर्कल इसके डायग्राम के साथ और उन्होंने पूछा था कि आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है ये आपका ब्लैक एंड वाइट क्वेश्चन आया था तो एक बार फॉर्मेशन आप देख सकते हैं प्लस इसके कलर याद कर लीजिएगा जैसे इसके कलर हो गए हैं प्लस गूगल जो जी होता है हमारा उसका कलर क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट जो लोगो होता है फोर बॉक्सेस में कलर कैसा होता है तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आप देख लीजिएगा जैसे क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर्स थ्योरी और कलर साइकोलॉजी होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में वो पूछते हैं

जैसे आपने देखा होगा द वेरी कॉमन हम सब ने देखा होगा ये जो हमारे नेटवर्क uh, टार्स होते हैं ये नेटवर्क टार बना हुआ है अंदर और उसके बाहर एक सर्कल है जिसमें जिसके टीथ अगेन बाहर हैं बट टीथ इसमें बहुत बड़े बड़े गैप्स में है तो ये जो लोगो है आपका ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑन द एथ नंबर वी आर हैविंग दी लोगो जिसमें हमारा सनराइज होता हुआ दिख रहा है दिस लोगो इज़ ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड इन नेक्स्ट स्लाइड ऑन द थर्टी फर्स्ट वी आर हैविंग द लोगो फॉर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अब ये लोगो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास क्योंकि अभी हमारे पास लास्ट मंथ में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवम्बर इसके कुछ अराउंड इन दिस लास्ट टू मंथस सेंट्रल विजिलेंस वीक हुआ था और उसी से रिलेटेड किसी का लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था अब वो डेट कौन सा है चैट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और वो सेंट्रल विजिलेंस वीक कौन सी डेट में हुआ था वो भी आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा कमेंट करिएगा नाउ थर्टी टू ऑन थर्टी सेकेंड नंबर वी आर हैविंग दी लोगो फॉर डिजिटल इंडिया थर्टी थ्री पी आई बी द वेरी फेमस साइट फॉर द गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हु हैव सीन बिकॉज इट इज़ कमिंग ऑन दी आज तक वाला चैनल भी दे गो ऑन विद द साइट फॉर द पी आई वी सो पी आई वी इज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू तो, प्रेस आपको मिल जाती है कि क्या नए चेंजेस हो रहे हैं यूनियन मिनिस्टर कौन नया आ रहा है पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन नहीं आ रहा है सो ऑल दीज ऑन थर्टी फोर्थ नंबर द वेरी फेमस बैंक वी आर हैविंग द लोगो The logo is from central bank. On 35th, we are having the bank from Karnataka, and the bank name is ing Vyasa Bank, in which lion is sitting, and Uska tail is Otahua hai. ING Vyasa Bank. We are moving towards the next slide. Next slide may on the 36th number, we are having the bank logo, which is called as इंडियन ओवरसीज बैंक नेक्स्ट टू दैट अब इंडियन ओवरसीज़ बैंक का सबसे ईजी तरीका क्या है पहचानने का कि उसका जो लोगो होता है वो ट्राइंगल शेप का होता है uh, जो uh, नीचे के दो होते हैं वो आपके क्लोज uh, ट्राइंगल होते हैं और ऊपर का हाफ़ ट्राइंगल होता है फर्स्ट हाफ बॉडी उसका ऊपर का होता है थर्टी सेवन्थ में हमारे पास फोर uh, ऐसे स्क्वायर्स दिख रहे हैं हमें जो कि कलर्ड है एक ग्रीन है एक ब्लू है और एक रेडिश uh, पिंकिश है सो दिस लोगो इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बैंक ऑन द थर्टी एट नंबर वी आर हैविंग द लोगो फ्रॉम इसमें लिखा हुआ है एम बी द लोगो इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र बैंक जिसके बीच में एक उन्होंने uh, टावर जैसा दिया है जिसके लाइंस आउटसाइड्स दिए हुए हैं ऑन थर्टी वी आर हैविंग लोगो फ्रॉम दी अगर ध्यान से देखें हम इस लोगो को तो ये एक जी बना हुआ है एंड दिस लोगो इज फ्रॉम गेल द लोगो इज़ फ्रॉम गेल कमेंट बॉक्स में आपको गेल का फुल फॉर्म बताना है गेल का एप्रिवेसन क्या होगा ऑन फोर्टी एथ नंबर ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बी बी भी है और बी के अंदर सी भी है और एक डॉट लगा हुआ है दिस लोगो इज़ फॉर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऑन फोर्टी फर्स्ट वी आर हैविंग अ लोगो जिसमें बीच में लैम्प है और वो लैम्प जल रहा है और साइड्स में उसके बोथ साइड स्नेक्स ने क्रिस क्रॉस किया हुआ है और लीव्स निकल रही हैं साइड से द लोगो इज़ फ्रॉम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेक्स्ट इज फोर्टी सेकेंड अब फोर्टी सेकेंड में जो लोगो हमें दिख रहा है ये एक डायमंड का शेप दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर का है और उसके अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है जो डिवाइडेड है बाहर uh, के डायमंड uh, वाले लाइन से जहाँ से लाइन्स क्रॉस हो रहे हैं सो दिस लोगो इज़ फॉर कोल इंडिया फोर्टी थ्री ये लोगो तो हम सबको आता है हम सब ने देखा हुआ है एक क्रिस uh, क्रॉस करता हुआ वेवी लाइन्स का लोगो दिस लोगो इज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फोर्टी फोर द वेरी फेमस लोगो ये लोगो आपका इसरो का है बैकग्राउंड में ब्लू डॉटेड लाइन एंड येलो ऑरेंज कलर का आपका एरो जिस लोगो इज़ फ्रॉम इसरो इंडियन इस्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ऑन फोर्टी फाइव वी आर हैविंग अ लोगो अब एक लोगो हमने स्टार्टिंग में क्लास में डिस्कस किया था आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा लोगो था जिसमें सर्कल बना हुआ था और ईगल बाहर उसमें फ्लाई करता हुआ आ रहा था वो कौन सा लोगों था नेक्स्ट फोर्टी फाइव डिस्कस करते हैं इसमें ईगल तो हमें नहीं दिख रहा है बट उसके विंग्स दिख रहे हैं और आगे सोर्ड आ गई है अब ये लोगो है आपका डी आर डी ओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फोर्टी सिक्स वी आर हैविंग द लोगो फॉर ओ एन जी सी ओ एन जी सी ओ एन जी सी का एब्रीवेशन फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा फोटी सेवन को हमने ऊपर डिस्कस किया था टेल बनी होती है जिसका डार्क रेड कलर का बैकग्राउंड होता है सनराइज़ जैसा दिख रहा होता है हाफ सन ये लोगो हमारा एयर इंडिया का है वेरी गुड ये आर गोइंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड ना द फोर्टी एट ये सब लोगों हमने देखा फोर्टी एट वाला लोगो हम सब ने देखा है फोर्टी एट वाला लोगो है आई आर सी टी सी आई आर सी टी सी का एब्रीवेशन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इंडियन रेलवे केटरिंग और इसके आगे का आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा फोटी नाइन जो लोगों है हमारा ये हमारा आई सी सी का है बी सी सी आई का नहीं आई सी सी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नेक्स्ट फिफ्टी एक सर्कल है उसके अंदर टाइगर वॉक करता हुआ दिख रहा है हमें और पीछे पाम ट्री है अब आपको मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वो कौन सा लोगो था जिसमें टाइगर बैठा हुआ था और उसका टेल ऊपर उठा हुआ था वो कौन सा लोगो था अब फिफ्टी नंबर पे जो लोगो है हमारा ये लोगो है हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑन फिफ्टी वन जिसमें हमारे टू ट्राइंगल्स हैं और येलो वाला ट्राइंगल ब्लू वाले चाइंगल के अंदर फंसा हुआ है दिस लोगो इज़ फ्रॉड कैनरा बैंक फिफ्टी सेकेंड में हमारे पास वीट का इन्होंने शो किया हुआ है वीट इस वीट का ये लोगो है वीट बना हुआ है इस लोगो में एंड दिस लोगो इज़ फ्रॉम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू टूवर्ड्स दी नेक्स्ट स्लाइड फिफ्टी थ्री ये तो हम सबको पता है दिस लोगो इज़ फ्रॉम एच डी एफ सी बैंक फिफ्टी फोर ये जो लोगो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये टी बना हुआ है फोर टाइम्स आउटर साइड को टी बना हुआ है और टी के टॉप में थोड़ा सा उन्होंने नेक दे दिया अब ये लोगो है आपका रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड फिफ्टी फाइव ये लोगो आप सबको पता होगा ये लोगो है हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस का फिफ्टी सिक्स अब ये दो हैंड्स हैं अगर इसमें से बीच में से सर्कल हटा दे और सिर्फ दो हैंड्स आ जाएगा ब्लू कलर में तो वो लोगो हो जाएगा एल का अभी यहाँ पे ये लोगो है हमारा नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फिफ्टी सेवन हम सबको पता है ये लोगो है वॉल्ट डिज़नी का फिफ्टी एट ये लोगो माइक्रोसॉफ्ट का अब इसका कलर सिर्फ आप लोग याद रखिएगा शायद वो कलर पूछ सकते हैं तो आप कलर याद रखिएगा जिस फ्रेमिंग में आपको याद रहता है आपको हॉरिजॉन्टली आप याद, याद रहता है आप तो हॉरिजॉन्टली याद रखिए पैरलि याद रख रहता है तो पैरलली याद रखिए तो फिफ्टी एट इज़ फॉर द माइक्रोसॉफ्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ सो ऑन फिफ्टी नाइन वी आर हैविंग द लोगो फ्रॉम चेन्नई मेट्रो फिफ्टी नाइन वी आर हैविंग द लोगो फ्रॉम चेन्नई मेट्रो सी बना हुआ है और अंदर माउंटेन जैसा उन्होंने शेप दिया हुआ है एम अगर बेसिकली मैं बोलूँ तो एम बना हुआ है ठीक है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि नामा मेट्रो कौन सी सिटी से बिलोंग करती है चेन्नई मेट्रो का तो लोगो हमने देख लिया नामा मेट्रो कौन सी सिटी में बिलोंग करती है और वाई नामा मेट्रो इज़ इन न्यूज अभी आपको ये बताना है मुझे ठीक है सिक्सटी में सिक्सटी का लोगो तो हम सबको पता होगा द वेरी फेमस टेलीग्राम सिक्सटी वन सिक्सटी वन का लोगो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन सिक्सटी टू वी आर हैविंग दी लोगो फ्रॉम पेप्सी सिक्सटी थ्री टी बना हुआ है साइड से दो एरो हैं वी आर हैविंग दी लोगो फ्रॉम टाटा सिक्सटी फोर वी आर हैविंग द लोगो ब्लूटूथ नहीं वी आर हैविंग दी लोगो फॉर बजाज सिक्सटी फाइव ट्री बना हुआ है हम सब ने देखा है च्यवन प्राश पे में तो फिक्स है ये लोगो और ये लोगो है डाबर का सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सिक्स ये लोगो है हमारा जागवार का सिक्सटी सेवन द लोगो इज़ फ्रॉम नेस्ले सिक्सटी एट हमने जो ऊपर जी डिस्कस किया था वो लोगो किसका था कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा सिक्सटी एट वाला लोगो है आपका सेल का एस ए आई एल इसका एब्रिवेशन कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ड्रॉप करिएगा सिक्सटी नाइन इज़ द लोगो फॉर ऑडी सेवेंटी जिसमें एच बना हुआ है द लोगो इज़ फॉर ह्यून डाई सेवेंटी वन जिसमें ऐसे लाइन्स दिख रहे हैं हमें तो ये लोगो है आपका सिस्को का सेवेंटी टू जिसमें हमारा वाई जो है उल्टा हो चुका है एंड द लोगो इज़ फॉर मर्सिडीज़ बेंस सेवेंटी थ्री हम सब ने टी वी में बहुत ऐड देखा है ए बना हुआ है क्रॉस करके पी द लोगो इज़ फॉर एशियन पेंट्स नाउ ऑन सेवेंटी फोर वी आर हैविंग द लोगो फॉर बताइए बताइए गेस्ट करिए वेरी गुड दिस लोगो इज़ फॉर वोडा फोन ऑन सेवेंटी फाइव एच बना हुआ है जिसका अप, अपर हाफ बॉडी इलोंगेटेड है द लोगो इज़ फॉर होंडा सेवेंटी सिक्स हम सब ने टी वी में ऐड देखा है द तो लोगो इज़ फ्रॉम तो अंबुजा सीमेंट सेवेंटी सेवन अब ये लोगो जो है आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो मैक्स के पेपर बैग पर पे ज़रूर रहता है ये लोगो है आपका रिसाइकल का सेवेंटी एट एक डार्क रेड कलर का सर्कल है उसके ऊपर ब्लू येलो कलर का सर्कल आया हुआ है ये लोगो है आपका मास्टर कार्ड का आप क्वेश्चन कैसे कभी कभी वो पूछ लेते हैं जो कलर थ्योरी में से आते हैं एक डार्क रेड कलर का सर्कल दे देगा और एक आपको येलो कलर का सर्कल दे देगा और पूछेगा इससे कौन सा कलर फॉर्म होता है और वो कलर प्राइमरी की कैटेगरी में आता है कि टर्शरी की सेकेंडरी तो ये आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सेवेंटी नाइन प बना हुआ है बीच में डॉट है द लोगो इज़ फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एटी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि दो हाथ आ जाएंगे सिर्फ दो हाथ तो वो हो जाएगा एल आई सी का लोगो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वेरी गुड ना एटी वन ये आपका टी बना हुआ है उल्टा टी ये लोगो है आपका टाइटन का एटी टू लोगो इज़ फॉर जी ने ओवरलैप कर लिया एक दूसरे को तो लोगो इज़ फॉर गुची एटी थ्री जिसमें uh, बीच में सर्कल बना हुआ है और ऊपर से सर्कल ने उसको क्रॉस कर दिया है द लोगो इज़ फॉर टोयोटा एटी फ़ोर यू बना हुआ है और यू में भी उन्होंने काविंग कर रखी है पाम ट्री है आपके पास अर्थ बना हुआ है उसके अंदर चिली है द लोगो इज़ फॉर यूनिलीवर एटी फाइव द लोगो एल बना हुआ है अगर ध्यान से देखें हम और ये सर्कल ज्वाइंट नहीं है यहाँ से गैप है तो एट्टी फाइव द लोगो इज़ फॉर लेक्स एटी सिक्स सी बना हुआ है ओवरलैप करके द लोगो इज़ फॉर शनाल एटी सेवन जिसमें रेड uh, कलर के आपको ऐसे ये आउटलाइंस दिख रहे हैं द लोगो इज़ फॉर हवाई एटी एट टी बना हुआ है ऊपर से उन्होंने काविंग uh, दे रखी है द लोगो इज़ फॉर टेस्ला एटी नाइन तो हम सबको पता है द लोगो इज़ फॉर वर्साचे नाइन्टी ये सलमान खान का ब्रांड है एंड द लोगो इज़ फ्रॉम बीबा नाइन्टी वन ये लोगो है आपका वन ह्यूजन का नाइन्टी टू लोगो इज़ फॉर बीबा द एथनिक वियर ब्रांड नाइन्टी थ्री एन बना हुआ है अगर हम ध्यान से देखें तो और ये लोगो है आपका नॉर्थ अमेरिकन फेस नाइन्टी फोर एक फ्लाइंग बर्ड है और फ्लाइंग बर्ड जो लोगो है आपका ये हॉलेस्टर ब्रांड का लोगो है हॉलिस्टर नेक्स्ट इज़ नाइन्टी फाइव ए बना हुआ है स्मॉल इस्मोल एसिक्स नाइन्टी सिक्स ये आपका कवी है और बीच में माउंटेन बना हुआ है द लोगो इज़ फ्रॉम क्विकल्वर नाइन्टी सेवन आपका हाफ सर्कल है और उसमें एक बेयर ट्री है जिसकी लीव्स नहीं है द लोगो इज़ फॉर टिम्बरलैंड अब नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन हंड्रेड ये जो लोगोज़ हैं ये इनकम्प्लीट लोगोज़ हैं इनकम्प्लीट इन देंस कि फ़िल इन द ब्लैंक्स टाइप कि कुछ कुछ वर्ड और लेटर दे दिया हमें हिंट के लिए बाकी हमें फ़ाइंड आउट करना है ये कौन सा लोगो है अब नाइन्टी एट जो लोगो है ये आपका एक वॉच ब्रांड का लोगो है एंड द ब्रांड नेम इज़ स्वैच नाइन्टी नाइन वी बना हुआ है और अंडर और लाइन खींच दिया स्क्वायर रूट जैसा कुछ दिख रहा है दिस लोगो इज फॉर वैन्स हंड्रेड द वेरी फेमस शू ब्रांड स्केचर्स हंड्रेड एंड वन वी आर हैविंग एक जो क्राउन uh, बना हुआ है द क्राउन इज फॉर रोलेक्स वन जीरो टू पहले तो यू बना दिया फिर यू को ओवरलैप कर दिया तो द लोगो इज फॉर अंडर आर्मर वन जीरो थ्री क्रोकोडाइल बना हुआ है Uh, जिसका मुंह जिसका माउथ वाइड ओपन है द तो लोगो इज़ फॉर लेको लेकोस्टे वन जीरो फोर वाई बना है डॉट है बी है ये हमारे स्पेक्स ब्रांड वेरी फेमस वेरी ओल्ड रे बैन वन ज़ीरो फाइव द लोगो ये हमारा एक आ, जो स्ट्राइप्स हैं ऊपर और नीचे की वो डार्क ब्लू कलर की है और बीच में हाफ़ वाइट पोर्शन है हाफ रेड पोर्शन है द लोगो इज़ फॉर टॉमी हेल्फिगा ऑन वन ज़ीरो सिक्स अब वन जीरो सिक्स वाला जो लोगो है ये हमें कंफ्यूज किस 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 लोगों के साथ करता है शायद ये यू एस पोलो का लोगो बट आप देख लीजिएगा यू एस पोलो के लोगों में टू हॉर्सेज ऑन टू मैनस हैं बट यहाँ पे सिंगल मैन ऑन सिंगल हॉर्स है ये लोगो है आपका रैल फ्लोरेंट का ऑन वन ज़ीरो सेवन गेस्ट करो ये किसका लोगो हो सकता है ये हमारे टू ब्रांड्स होल्ड करता है मतलब तो अगर मैं फिलिंदा प्लैंक्स फॉर्मेट में जाऊँ तो हमारे ये टू ब्रांड्स होल्ड करता है एक तो हो गया मेरा राडो दूसरा प्राडा सेकेंड वन इज़ प्राडा देन वन जीरो एट वी आर हैविंग दी ब्रांड नेम एज जारा वन जीरो नाइन वेरी फेमस आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे खेल इसे इंजॉय भी करते होंगे इस गेम के साथ उन्होंने बहुत सारा डाट भी खाया होगा सो वन जीरो नाइन इज़ फॉर पबजी लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द डे वन हंड्रेड टेन दिसो इज़ फॉर विकीपीडिया आई होप ये पी डी एफ़ आप लोगों को हेल्प करेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में एंड वेरी सून आई एल बी कमिंग अप विद मोर पी डी एफ्स लाइक दिस फॉर द करेंट अफेयर्स फ़ॉर द डांस फॉर द फेस्टिवल्स जो आप शॉर्ट में रहेगा बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर नेफ्ट फॉर एन आई डी फॉर यू सीट फॉर सीट एंड इन प्लस ऑफ दैट अगर आपको ये पी चाहिए तो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप uh, किया है कि आप ये पी कैसे अवेल कर सकते हैं यू कैन अवेल दिस पी डी एफ थैंक यू एवरी एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड बाई